हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। किचन को ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल रखने में किचन कंटेनर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप देखेंगे तो हमारी किचन पैंट्री में बहुत सी चीज़ें जैसे लेंटिल्स, स्पाइसेस, फ्लावर, बीन्स और ग्रेन्स वगैरह सबको अच्छे से स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड इफ़ यू स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ कंटेनर्स दैट वी यूज़ इन आर किचन्स, देन यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट दे माइट बी अराउंड 80 to 90 और इवन मोर देन दैट। एंड इट्स ऑब्वियसली गोना कॉस्ट अ फॉर्च्यून टू बाई दीज कंटेनर्स। Nowadays, a huge variety of jars and canisters is available in the market, and it's very difficult to choose the right ones to suit your needs. And that is why it's really very important to choose them carefully so you don't spend your hard-earned money on useless containers. So in this video, we are going to talk about different types of storage containers and how to choose them properly. So without further ado, let's get started. सबसे पहला जो स्टेप है वो है मेजरिंग द किचन शेल्व्स एंड कैबिनेट्स, जहाँ भी आपको ये कंटेनर्स रखने हैं। यू शुड बी मेजरिंग देम लेंथ वाइज, विड्थ वाइज एंड हाइट वाइज। मोस्ट ऑफ द कैबिनेट्स कम विद एडजस्टेबल शेल्व्स, इसलिए आप शेल्व्स की हाइट को अपनी स्टोरेज स्पेस को इनक्रीज करने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। शेल्व्स को मेजर करने से एक फ़ायदा और होगा कि आप उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कंटेनर्स को चूज़ कर पाएंगे, रादर देन वेस्टिंग योर मनी ऑन टू लार्ज और टू स्मॉल कंटेनर्स। आप वाइड शेल्व्स पर कंटेनर्स को दो या तीन रोज़ में प्लेस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मेरी ये जो शेल्फ है ये काफ़ी वाइड है और इसलिए यहाँ मैं तीन रोज़ में इन कंटेनर्स को ईजिली प्लेस कर सकती हूँ। इन दिस केस इट्स बेस्ट टू प्लेस दी कंटेनर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे यहाँ मैंने सबसे बड़े कंटेनर्स सबसे पीछे, फिर थोड़े छोटे और एंड में ये सबसे छोटे कंटेनर्स यहाँ प्लेस किए हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्हें इस तरह प्लेस करने से दे हैव गिवन मी दी इफेक्ट ऑफ अ टीयर्ड शेल्फ और सभी कंटेनर्स क्लियरली विजिबल हैं बिना किसी शेल्फ को यूज़ किए। ऑल्दो ये सभी कंटेनर्स क्लियरली विजिबल हैं, फिर भी कुछ कंटेनर्स जिनमें थोड़ा कम सामान है उन्हें देखने के लिए मुझे कुछ कंटेनर्स को हटाकर उनमें रखे हुए कंटेंट्स को देखना पड़ेगा। हाउएवर, अगर मैं इन्हें लेबल लगाकर रखती हूँ तो मैं इजीली सभी कंटेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ जस्ट बाय लुकिंग एट ऑल ऑफ देम। सो इट्स ऑलवेज गुड टू लेबल द कंटेनर्स इवन इफ यू आर यूजिंग क्लियर कंटेनर्स। किचन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती हैं और कुछ स्मॉल, इसीलिए कंटेनर्स स्टोरेज सप्लाईज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज़ में बाय करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे फ्लावर, राइस और शुगर वगैरह मोस्टली लार्ज क्वांटिटी में हम बाय करते हैं, तो इनके लिए बड़े कंटेनर्स चूज़ करें। और स्पाइसेस यूजुअली छोटी पैकेजिंग में आते हैं, इसलिए इनके लिए छोटे साइज़ के कंटेनर्स ही बाय करें। अगर आप सभी कंटेनर्स सेम साइज़ में ख़रीदेंगे तो या तो आपको कुछ सप्लाईज़ को जल्दी जल्दी रीफिल करना पड़ेगा, या कुछ कंटेनर्स में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आप सामान रखेंगे और इस वजह से आप किचन के स्टोरेज स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज चूज़ द राइट साइज़ ऑफ कंटेनर्स फॉर डिफरेंट सप्लाईज़। जैसे मेरी किचन में ये चार कंटेनर्स काफ़ी लार्ज साइज़ में हैं इन सभी लार्ज क्वांटिटी वाली चीज़ों को स्टोर करने के लिए, एंड आई हैव केप्ट देम अलॉन्ग विद द स्कूप और कप फॉर ईज़ ऑफ यूज़। नए कंटेनर्स खरीदने से पहले अपनी कबर्ड्स में ऑलरेडी अवेलेबल कंटेनर्स को चेक करिए और आप देखेंगे कि बहुत से कंटेनर्स ऐसे हैं जिन्हें आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सी किचन सप्लाईज़ बहुत सुंदर जार्स में आती हैं, जैसे जैम और टी वगैरह, और अगर आप इन चीज़ों को रूटीन में यूज़ करते हैं तो आप इन कंटेनर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दे विल ऑल्सो हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजिंग योर किचन ब्यूटीफुली विदाउट हैविंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। फॉर इंस्टेंस, मेरे पास ये बहुत सारे टी कंटेनर्स हैं जिन्हें मैं स्पाइसेस को स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ, एंड आई जस्ट लव यूजिंग देम इन माई किचन। थिंक अबाउट फंक्शनैलिटी, सही कंटेनर्स चूज़ करने के लिए उनकी फंक्शनैलिटी पर ध्यान देना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई कंटेनर देखने में तो सुंदर है बट उसे खोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है या उसे उठाना या रखना काफ़ी मुश्किल है, देन इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ बाइंग। फॉर इंस्टेंस, मेरे पास लेंटिल्स और बीन्स वगैरह के लिए ये ईजी फ्लो कंटेनर्स हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं यूज़ करने में बिकॉज ऑफ दिस ईजी फ्लो फंक्शन। अब बात करते हैं कंटेनर्स की शेप की।
जस्ट लाइक राउंड बास्केट्स, राउंड कंटेनर्स भी जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेते हैं एज़ कम्पेयर टू स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर कंटेनर्स। राउंड कंटेनर्स जो हैं वो थोड़ा डेड स्पेस छोड़ देते हैं, जबकि स्क्वेयर या रेक्टेंगुलर कंटेनर्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती। फॉर इंस्टेंस आप देखिए, मेरे पास ये एक राउंड कंटेनर है और ये रेक्टेंगुलर, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों कंटेनर्स की कैपेसिटी 2000 मिल्स है। अब मैं आपको इन्हें शेल्फ पर प्लेस करके दिखाती हूँ। यू कैन सी कि इस राउंड कंटेनर ने थोड़ा ज़्यादा स्पेस यहाँ कवर किया है एज़ कम्पेयर टू दिस रेक्टेंगुलर कंटेनर। इस सेम स्पेस में मैं 3 राउंड कंटेनर्स प्लेस कर सकती हूँ, जबकि ये रेक्टेंगुलर वाले यहाँ 4 कंटेनर्स ईजिली प्लेस किए जा सकते हैं। सो बाई यूजिंग स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर कंटेनर्स यू कैन सेव अबाउट 25-30% ऑफ स्पेस इन योर कैबिनेट्स और शेल्व्स। इसके अलावा ट्राई टू बाय स्टैकेबल कंटेनर्स, स्पेशली अगर आपकी शेल्फ की हाइट ज़्यादा है तो। इससे आप किचन की स्टोरेज स्पेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे मेरी शेल्फ की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है और मैं इन कंटेनर्स को स्टैक करके भी रख सकती हूँ। एंड बाय स्टैकिंग देम ऑन टॉप ऑफ दीज कंटेनर्स ऑन लास्ट रो, आई कैन स्टिल क्लियरली सी ऑल ऑफ दी कंटेनर्स एंड आई कैन कीप सम मोर कंटेनर्स टू मेक अ थर्ड रो एंड इट विल मैक्सिमाइज माई स्टोरेज स्पेस। ऑल्सो अगर आपकी शेल्फ थोड़ी कम वाइड है और सभी कंटेनर्स के लिए एक ही रो बनानी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी सेम साइज़ के कंटेनर्स को साथ में रखें। इंस्टेड आप डिफरेंट साइज़ के कंटेनर्स को अपनी क्रिएटिविटी और ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंटली भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ। जस्ट प्ले विद द स्पेस अंटिल यू फाइंड योर बेस्ट स्टाइल। इन माई केस, क्योंकि मेरी शेल्फ की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं इन कंटेनर्स को इस तरह से प्लेस कर रही हूँ एंड आई रियली लाइक देम दिस वे। हमेशा एटलीस्ट 2-4 एक्स्ट्रा एम्प्टी कंटेनर्स भी अपनी किचन में रखें एंड इट विल बी गुड कि अगर आप उन सभी कंटेनर्स को एक दूसरे के अंदर डालकर रख सकें, एज दिस वे यू विल सेव योर स्टोरेज स्पेस। फॉर इंस्टेंस मेरी किचन में मेरे पास ये 4 एक्स्ट्रा कंटेनर्स हैं जिन्हें मैं ज़रूरत के टाइम पर यूज़ करती हूँ, और ये मेरे बहुत ही पुराने कंटेनर्स हैं, बट क्योंकि इन्हें मैं एक दूसरे के अंदर डालकर रख सकती हूँ, दैट्स वाई आई रियली लाइक दीज कंटेनर्स एज एक्स्ट्रा कंटेनर्स। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स की। Nowadays, market is flooding with a huge variety of kitchen containers in different materials, including plastic, glass, ceramic, and steel or metal. So let's talk about all of these materials one by one. First of all, let's talk about glass canisters. ऑन द पॉजिटिव साइड, ग्लास कंटेनर्स जो हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं एंड यू विल बी एबल टू क्लियरली सी व्हाट इज़ स्टोर्ड इन द कंटेनर। हाउएवर, ऑन द नेगेटिव साइड, ग्लास कैनिस्टर्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड इफ़ यू एक्सीडेंटली ड्रॉप देम, यू आर गोइंग टू ब्रेक देम एंड दे विल क्रिएट अ ह्यूज मेस टू क्लीन। सो दे आर नॉट दैट ड्यूरेबल एंड यू विल हैव टू हैंडल देम वेरी केयरफुली। एंड ऑल्सो ग्लास कैनिस्टर्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैवी भी होते हैं, दैट्स वाई दे आर अ बिट हार्ड टू हैंडल। और ये मोस्टली राउंड शेप में ही अवेलेबल हैं, इसलिए इट कैन बी अ स्पेस इश्यू फॉर स्मॉल किचन्स। अब बात करते हैं प्लास्टिक कैनिस्टर्स की। प्लास्टिक कैनिस्टर्स जो हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं और प्राइस वाइज भी ये एक इनएक्सपेंसिव ऑप्शन है। इसके अलावा यू आर ऑल्सो एबल टू सी दी कंटेंट स्टोर्ड इन क्लियर प्लास्टिक कंटेनर्स, और ये बहुत सारे कलर्स, साइजेस और शेप्स में अवेलेबल हैं एंड दे आर ऑल्सो ईजी टू हैंडल एंड इट्स वेरी ईजी टू चूज देम अकॉर्डिंग टू योर ओन ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल। हाउएवर, प्लास्टिक कंटेनर्स कैन ऑल्सो ब्रेक वेरी ईजिली, सो ऑलवेज बाय द गुड क्वालिटी प्लास्टिक कंटेनर्स। नेक्स्ट अप आर सेरेमिक कंटेनर्स। लुक वाइज सेरेमिक कंटेनर्स भी बहुत सुंदर लगते हैं एंड दे कैन बी रिसाइकल्ड एज वेल। यूजुअली सेरेमिक कंटेनर्स आर एयर टाइट ऑल्सो एंड दे कीप द फूड फ्रेश फॉर लॉन्गर, सो इट्स अनदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग देम। हाउएवर, सेरेमिक कंटेनर्स भी थोड़े से हैवी होते हैं एंड दैट्स वाई दे आर ऑल्सो हार्ड टू हैंडल एंड इफ़ यू ड्रॉप देम दे आर गोइंग टू ब्रेक एज वेल, सो दे नीड सम एक्स्ट्रा केयर वाइल इन यूज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स। स्टील कंटेनर्स जो हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, साथ ही ये ड्यूरेबल भी हैं एंड दे आर ईजी टू क्लीन एज वेल।
हाउएवर ऑन द नेगेटिव साइड अगर बात करें तो स्टील कंटेनर्स में रखा हुआ सामान आप कम्प्लीटली नहीं देख सकते, इसीलिए ट्राई टू बाय स्टील कंटेनर्स विद अ क्लियर विंडो. You can either have all the containers in the same material or you can also use a mix of all the materials. For instance, pickles or chutneys wagaira ke liye it's best to use glass or ceramic containers. I also really like ceramic containers for storing tea, coffee and sugar. For oil and ghee, I like steel or glass canisters, and for all the other dried goods, I am using plastic containers. So it all depends upon your own personal choice that what suits you best. अगर कुछ कंटेनर्स को प्लेस करने के बाद थोड़ा सा स्पेस बच जाता है तो कुछ पर्टिकुलर शेप वाले कंटेनर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखें. इससे आप एक और कंटेनर वहां इजीली फिट कर सकते हैं एंड इट विल मैक्सिमाइज योर स्टोरेज स्पेस. अगर एक ही शेल्फ पर बहुत सारे सेम साइज के कंटेनर्स डिफरेंट रोज में रखे हुए हैं तो इट्स बेस्ट टू यूज टीयर्ड शेल्फ्स टू सी ऑल ऑफ देम क्लियरली. However, ये जो 3-tiered shelf है ये सिर्फ छोटे साइज के कंटेनर्स के लिए ही यूजफुल है and large containers will not be able to fit on these shelves. Containers में stored सामान की best before date को original packaging से काट कर या तो उसे container के अंदर डाल दें या उसके नीचे चिपका दें so you don't accidentally consume the products after their expiry date. किसी भी जार में नई सप्लाईज ऐड करने से पहले पुराने कंटेंट्स को कम्प्लीटली फिनिश करें. यू कैन ऑल्सो कलर कोड योर जार्स, जैसे वाइट लिड वाले कंटेनर्स ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए और रेड लिड वाले कंटेनर्स वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी. If you like this video, then please give it a thumbs up and hit the subscribe button. Thank you for watching. Happy organizing!